हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है फ्रैंकेनस्टीन, जिसको लिखा था M.W. शेली, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शेली। ये P.B. शेली की वाइफ थी। और ये फ्रैंकेनस्टीन एक गॉथिक हॉरर स्टोरी है। तो गॉथिक का मतलब होता है एक ऐसा जेनर या लिटरेचर का एक ऐसा मोड जहाँ पे हॉन्टेड हाउस या फिर हॉरर, डेथ, रोमांस, फिक्शन, साइंस फिक्शन, ये सब एक कंबाइन करके एक नॉवल लिखा जाता है, उसको हम गॉथिक बोलते हैं। तो ये एक गॉथिक हॉरर स्टोरी और एक साइंस फिक्शन है। इसको अराउंड 1818 में लिखा गया था लंदन में, और इसका जो सेकेंड एडिशन था उसको 1821 में पेरिस में पब्लिश किया गया था। और अगर हम इसके सेटिंग की बात करें, इस नॉवल में ना यूरोप के अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। सेंट्रल यूरोप को मेनली कवर किया गया है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल, अलग अलग जगहों में इसकी सेटिंग दिखाई गई है। और ये जो नॉवल है ये मैरी शेली का सबसे सक्सेसफुल नॉवल था, क्योंकि इस नॉवल पे बेस्ड बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई थी बाद में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही ये नॉवल स्टार्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है रॉबर्ट वॉल्टन। रॉबर्ट वॉल्टन एक शिप का कैप्टन है, जिसका वो अपने शिप को लेकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा होता है। तो नॉर्थ पोल की तरफ जब जा रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स होते हैं सी में, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पे देखता है कि एक और मतलब कैरेक्टर, जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को वो बहुत ही कमज़ोर हालत में पाता है। वो ठंड के वजह से वो बिल्कुल वीक हो गया होता है, और वो किसी तरह एक बर्फ के मतलब स्लेज के ऊपर वो उसको पड़ा मिलता है बेहोश। तो रॉबर्ट क्या करता है, विक्टर को अपने शिप में उठा लेता है, उसको रेस्क्यू करता है, उसको थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करता है थोड़ा बहुत गर्माहट देने के लिए। और फिर जैसे ही विक्टर को होश आता है तो वो अपना सारा जितना भी उसका जो कहानी होता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया, इसके बारे में वो रॉबर्ट को बताता है। फिर रॉबर्ट क्या करता है, शिप में बैठ के अपनी बहन, रॉबर्ट की बहन होती है जिसका नाम होता है मार्गरेट, ये रॉबर्ट की सिस्टर होती है, वो रॉबर्ट अपने बहन को लेटर लिखने लगता है कि उसका मतलब लेटर में वो पहले तो लिखता है कि उसकी जर्नी कहाँ तक हुई और कैसी बीती, और फिर वो विक्टर की कहानी मार्गरेट को लेटर लिखता है। मार्गरेट जो होती है वो इंग्लैंड में रह रही होती है, तो वो अपने शिप का जर्नी और विक्टर के लाइफ की पूरी कहानी मार्गरेट को लेटर में लिखता है। जब वो लेटर में लिखता है तो यहाँ से ये स्टोरी पूरी अनफोल्ड होती है कि विक्टर के लाइफ में क्या क्या हुआ था। तो विक्टर ने अपने स्टोरी में रॉबर्ट को बताया था कि विक्टर को बचपन में अडॉप्ट किया गया था। इनकी स्टोरी जेनेवा से स्टार्ट होती है। एल्फोंजे फ्रैंकेनस्टीन और कैरोलिन फ्रैंकेनस्टीन, इन दोनों ने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया था। विक्टर की लाइफ बचपन में बहुत अच्छी बीती थी, तो इन दोनों ने विक्टर के अलावा और भी कुछ बच्चों को अडॉप्ट करा था। एक तो थी एलिजाबेथ लेवेंजा, ये भी एक अनाथ बच्ची थी जिसको विक्टर के मॉम डैड ने अडॉप्ट किया था, एल्फोंजे और कैरोलिन ने। बाद में ये विक्टर की बहुत मतलब अडॉप्टेड दोनों ही थे, विक्टर और एलिजाबेथ, बट इसके बावजूद बाद में विक्टर एलिजाबेथ से शादी करते आगे चल के उसको एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। इसके अलावा इनका एक यंगर छोटा भाई भी था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकेनस्टीन, ये विक्टर का छोटा भाई था। और एक अडॉप्टेड हाउसकीपर भी थी इनके घर में जिसका नाम था जस्टिन मॉर्टिस, इसको भी इन्होंने अडॉप्ट किया था, पर ये इनके घर की हाउसकीपर थी। इसके अलावा विक्टर का एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम था हेनरी क्लेरवल, ये विक्टर का बेस्ट फ्रेंड था। अब आगे क्या होता है कि विक्टर को बचपन से ही ना नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो 17 या 18 साल का होता है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टैट पे उसका एडमिशन हो जाता है। बट यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसकी मॉम का मतलब स्कारलेट फीवर से डेथ हो गया है। जब विक्टर 17 साल का था तो उसकी मॉम कैरोलिन का स्कारलेट फीवर की वजह से वो मर जाती है। उसके बाद विक्टर यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी जाके वो पहले तो नेचुरल फिलॉसफी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ता है, बट उसके अंदर ना एकदम से एक मतलब इच्छा जागती है, विक्टर के अंदर एक डिज़ायर जागता है कि वो देखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि लाइफ का सीक्रेट क्या है, मतलब इंसान जन्म कैसे लेता है, हमारे अंदर लाइफ कहाँ से आता है। तो बहुत सालों तक वो रिसर्च पे रिसर्च करता है क्योंकि उसको लाइफ का सीक्रेट जानना है। बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद उसको ऐसा अपने अंदर फील होता है कि फाइनली उसको अब पता चल गया है कि लाइफ का सीक्रेट क्या है।
तो जैसे ही इसको ये फील हुआ विक्टर को कि अब ये लाइफ का सीक्रेट जान चुका है कि इंसान के अंदर जान कहाँ से आती है एंड ऑल, तो इसका मन हुआ कि अब मैं एक इंसान का नया रेस बनाऊंगा, मैं अपने एक ऐसा क्रिएचर बनाऊंगा जिसमें मैं खुद से जान डाल पाऊँ। तो फिर क्या करता है, एक ना मतलब ओल्ड बॉडी पार्ट्स मतलब कॉर्पसेस जो लोग मर चुके हैं उनके हड्डियों को इकट्ठा करके लाता है और उससे एक मतलब क्रिएचर तैयार करता है। और एक रात वो क्या करता है, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा होता है उस क्रिएचर में जान डालने की, कुछ डालने की। और फिर एक रात ऐसा आता है जब फाइनली वो उस मतलब क्रिएचर के अंदर जान डाल देता है, उन हड्डियों का जो वो ढांचा तैयार करता है इंसान की तरह, फिर उसमें एक रात को क्या करता है, वो जान डाल देता है। जैसे ही विक्टर ने उस क्रिएचर के अंदर जान डाली और जैसे वो क्रिएचर होश में आया, विक्टर उसको देख के डर गया बुरी तरह कि ये उसने क्या बना दिया, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लग ही नहीं रहा, ये तो किसी मतलब ये तो इसको मॉन्स्टर बोला गया इस क्रिएचर को मेनली। तो विक्टर कहते हैं तो मॉन्स्टर बन गया पूरी तरह, उसके इतने बड़े बड़े हाथ थे। तो यहाँ मैं आपको उस फ्रैंकफेस्ट मतलब मॉन्स्टर का मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। तो यार ये मॉन्स्टर दिखने में कुछ ऐसा बना था, बहुत बड़े बड़े हाथ, बहुत हीडियस सा क्रिएचर बन गया था ये, दिखने में बहुत भयानक सा था क्योंकि कोई देखकर ही इसको डर जाए। और इतना बड़ा बना था ये साइज में कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो किसी एंगल से नहीं लग रहा था। तो ऐसे भयानक मॉन्स्टर को देखने के बाद विक्टर तो बहुत डर गया और वो रोड पे निकल गया, अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। और वो जैसे मतलब रोड पे भाग रहा था तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी से जा टकराया और उसने हेनरी को बोला कि तू मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चल। तो जैसे ही हेनरी विक्टर के साथ उसके अपार्टमेंट में गया, उसने देखा कि वो मॉन्स्टर अब वहाँ पे है ही नहीं। तो क्या हुआ कि फिर ये दोनों थोड़े बहुत दिन साथ में रहने लग गए, बीच में थोड़ा बहुत टाइम बीत गया। बीच में क्या हुआ कि विक्टर को एक बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत बीमार भी हो गया था बीच में, और उस मतलब इतना हॉरिफिक वो चीज़ उसको लग गया था, उतना डर लग गया था उसको कि मतलब उसने मतलब विक्टर को रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना डरावना मतलब क्रिएचर बनाया ही क्यों। तो फिर विक्टर ने सोचा कि क्या करता हूँ, मैं वापस थोड़ा टाइम के लिए जेनेवा चले जाता हूँ अपने फैमिली के पास, और जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी वापस नहीं आऊँगा। इतने में क्या होता है कि विक्टर को उसके फादर अल्फोंसो का लेटर आता है उसके यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट में कि विक्टर का जो छोटा भाई था विलियम, विलियम का किसी ने मर्डर कर दिया है, तो उसको अब जनेवा वैसे भी वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। तो क्या होता है कि विक्टर जब जा रहा होता है अपने घर, वो उसको बहुत बुरा फील होता हो रहा होता है कि विलियम को किसने मार दिया। जब वो अपने घर वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसको वो मॉन्स्टर दिखता है उसी जगह पे जहाँ पे उसकी उसके भाई का खून किया गया था। तब विक्टर को यकीन हो जाता है कि ये इस मॉन्स्टर ने ही मेरे भाई को मारा है, पर उसको फिर ये फील होता है कि अगर मैं ये चीज़ किसी को बताऊंगा कोई भी बिलीव नहीं करेगा मेरी बातों का, कि ऐसा भी कोई तैयार हो सकता है, कि ऐसा भी किसी पे कोई जान डाल सकते कोई हड्डियों के ढांचे में। तो विक्टर क्या होता है अपने घर वापस जाता है। तो विक्टर अपने घर जाके देखता है कि जो उसकी अडॉप्टेड हाउसकीपर थी, जो मेड थी जिसका नाम जस्टिन मॉर्टिस था, जिसको विक्टर के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, उसको विलियम के खून के लिए उसको पकड़ा जाता है, उसको अक्यूज किया जाता है कि ये खून जस्टिन नहीं करा था क्योंकि उसके पास विलियम के कुछ सामान मिले थे। तो सबको शक जस्टिन पे ही जाता है। जस्टिन बहुत बार मना करती है कि नहीं मैंने ये खून नहीं करा, अपने साइड से वो मतलब बेगुनाह अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ बोलती है, बट एट द एंड क्या होता है कि सब इसी पे शक करते हैं, इसी को अक्यूज करते हैं कि यही खूनी है। और एट द एंड क्या होता है कि जस्टिन को मतलब मार दिया जाता है क्योंकि उसने विलियम का खून किया था, ये बोल के जस्टिन को भी मार दिया जाता है। ये सब देखने के बाद विक्टर को इतना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था अपने आप, उसको इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि असल में जिसने ये खून करा वो मेरा बनाया हुआ मॉन्स्टर था, और सिर्फ एक उसके वजह से आज एक बेगुना को भी मार दिया गया जिसने कभी कुछ करा ही नहीं था, और मेरा भाई भी मारा गया। तो अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालने के लिए, अपने गिल्ट से बाहर निकालने के लिए विक्टर क्या करता है कि ये थोड़ा टाइम के लिए एक वेकेशन पे चला जाता है पहाड़ों में। ये सोचता है कि थोड़ा बाहर की तरफ जाऊंगा, पहाड़ों में जाऊंगा तो क्या पता मेरा माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। तो ये पहाड़ों में वेकेशन के लिए चला जाता है। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहाड़ों में उसने चढ़ाई की विक्टर ने। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब वो एक दिन फिर एक ग्लेशियर को क्रॉस कर रहा था विक्टर, तो एकदम से मॉन्स्टर उसके सामने आ गया।
तो जब मॉन्स्टर उसके सामने आया तो पहले तो विक्टर मतलब थोड़ा सा डर गया, तो मॉन्स्टर ने उसको बोला नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मतलब उसने एडमिट करा मॉन्स्टर ने कि मैंने ही तुम्हारे भाई विलियम को मारा है, बट तुम मेरी कहानी तो सुनो पहले, तुम मेरे को एक बार समझो तो सही। तो सर क्या करता है, विक्टर को अपनी कहानी सुनाता है, वो बताता है कि जब तुम अपार्टमेंट में मेरे को बना के मेरे में जान डाल के तुम मेरे को छोड़ के चले गए, तो मैं वहां से निकल गया। निकलने के बाद मैं जहां भी गया लोग मेरे को देख के इतना डर गए कि किसी ने भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करा। फिर मेरे को एक फैमिली ने अडॉप्ट करा जिसका नाम था डी लेसी फैमिली, तो इन्होंने मेरे को कुछ दिन अपने घर में रखा। वहां मैंने लोगों को देखकर मतलब वहां की लैंग्वेज समझी कि अभी जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, वो मैंने वहां पे लोगों को देख के इनकी लैंग्वेज समझी। मैंने तुम्हारा जैकेट, मॉन्स्टर ने जो था वो विक्टर का जैकेट पहन रखा था, तो मॉन्स्टर ने कहा तुम्हारे जैकेट में से मेरे को 3 किताबें मिली थी जिसको पढ़ के मैं और भी ज्यादा लैंग्वेज को समझ पाया। पर फिर थोड़े दिनों बाद लोगों को पता चल गया कि मैं इस फैमिली के घर पे एक रूम में रह रहा हूँ, तो वहां भी लोगों ने मेरे को निकाल दिया। सबने मेरे को मेरे लुक्स के वजह से, सब मेरे से डरते थे, सब मेरे को मेरे लुक्स के वजह से मेरे को हमेशा अलग कर देते थे, सब मेरे से डरते थे। बट मेरे को और चाहिए ही क्या था, मेरे को तो बस प्यार चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे भी लोग एक्सेप्ट करे, मेरे से भी प्यार करे लोग, मेरे को समझे। पर तुम मेरे क्रिएचर हो, तुम ही ने डर के मेरे को छोड़ दिया, तो बाकी लोग मुझे क्या एक्सेप्ट करेंगे। तो मॉन्स्टर बोल रहा है कि इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला था कि मेरा क्रिएटर, मैं अपने क्रिएटर को ढूंढूं, उसी से सब सवाल करूं कि उसने मेरे को इतना मॉन्स्टर्स लुक क्यों दिया, उसने मेरे को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जितना क्यों नहीं बनाया। तो फिर मॉन्स्टर क्या करता है, विक्टर को बोलता है कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे भाई से मिला और मजबूरी में मुझे उसका खून करना पड़ गया, विलियम का। तो मॉन्स्टर फिर विक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो जब मेरे को समाज में सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, तो तुम मेरे लिए एक काम कर दो इतना सा कि तुम मेरे लिए एक मेट बना दो, एक एक फीमेल मॉन्स्टर बना दो जो मेरी एक सोल कंपेनियन होगी इस दुनिया में, मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगा, तुम बस इतना कर दो वरना मैं अकेले कैसे जीऊंगा। तो तुम पहले तो विक्टर ने पूरा इस मॉन्स्टर को मना कर दिया कि मैं तुम्हारे जैसा खतरनाक एक और मॉन्स्टर तो बनाऊंगा नहीं, और विक्टर ने बोला कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। पर जो मॉन्स्टर था उसने विक्टर को किसी तरह कन्विंस कर लिया, वो उसके अंदर किसी तरह विक्टर को मना लिया, तो विक्टर ने कह दिया ठीक है मैं तुम्हारे लिए फीमेल मॉन्स्टर बना दूंगा। विक्टर क्या करता है, अपने वेकेशन से दोबारा वापस अपने घर जनेवा जाता है, वहां से वो क्या करता है कि वो इंग्लैंड के लिए निकलता है, और उसके साथ इंग्लैंड में उसका बेस्ट फ्रेंड हेनरी भी जाता है उसके साथ। तो विक्टर क्या करता है, क्योंकि मॉन्स्टर तो वो अकेले में ही बनाएगा क्योंकि किसी को तो पता है नहीं कि ये ऐसे मॉन्स्टर बनाता है और उनमें जान डालता है, तो विक्टर क्या करता है रास्ते में हेनरी को स्कॉटलैंड में उसको ड्रॉप कर देता है। हेनरी स्कॉटलैंड में रुक जाता है और विक्टर क्या करता है वहां से एक डेसोलेट आइलैंड में चला जाता है जिस जो कहीं ऑर्कनीज में था, तो वो उस आइलैंड में चला जाता है और वहां पे क्या करता है वो दोबारा से एक नए मॉन्स्टर को शेप देने लगता है, दोबारा से इंसान के कॉर्पसेस में से हड्डियां लेके उन हड्डियों को जोड़ के एक नया मॉन्स्टर तैयार कर रहा होता है। अब जब ये विक्टर सेकंड वाले मॉन्स्टर फीमेल मॉन्स्टर को शेप दे रहा होता, तो उसको अपने फर्स्ट वाले मॉन्स्टर की याद आ गई कि कैसे ये इतना खतरनाक निकला। फिर ये सोचने लग गया कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये वाला मतलब फीमेल मॉन्स्टर इसको बना दिया तो ये पहले वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस निकलेगी और इसके अंदर डबल पावर होंगे, कल को ये वाला मेल और फीमेल दोनों मॉन्स्टर मिलकर बच्चे पैदा करेंगे और ये ह्यूमन रेस के लिए खतरनाक हो जाएगा, क्या पता ये ह्यूमन बींग्स को ही मारना शुरू करते, और ये अपना ही एक प्रजाति जो मैंने सोचा था कि मैं एक नई नोबल प्रजाति बनाऊंगा, तो क्या पता ये उसका उल्टा ही हो जाए, तो मैं ये नहीं बना सकता। तो वो सोच रहा होता है और तभी सोचते सोचते वो उस मतलब वहां खिड़की की तरफ देखता है और खिड़की में से देखता है कि बाहर वो मॉन्स्टर खड़ा है और वो बहुत ही मतलब एक शैतान वाली हंसी बोलते हैं ना जिसको, मतलब एक फ्राइटनिंग स्माइल, एक फ्राइट अंदर देख रहा होता है अपने फीमेल मॉन्स्टर को बनते हुए। तब विक्टर को पूरी तरह रियलाइज हो जाता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, अब मैं फीमेल मॉन्स्टर नहीं बना सकता। तो विक्टर ने ये सिनेरियो देख के क्या किया कि जो उसने जो फीमेल मॉन्स्टर को जो मतलब शेप दिया था, जो हड्डियां जोड़ी थी, उसने क्या करा पूरी तरह से उसको तोड़ दिया, जितना भी उसने बनाया था फीमेल मॉन्स्टर को उसने उसको पूरा तोड़ दिया। ये देखते ही वो मॉन्स्टर बाहर से इतना गुस्सा हो गया अपने फीमेल मॉन्स्टर को टूटता देख कि वो गुस्से में अंदर आया,
फिर जैसे ही वो गुस्से में मॉन्स्टर अंदर आया, उसने विक्टर को तो पहले बोला कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, और उसको वो मॉन्स्टर इतने गुस्से में था कि उसने क्या करा कि उसने कसम खा ली कि इसका बदला तो मैं लूंगा। और इसको पता था मॉन्स्टर को कि विक्टर की शादी होने वाली है एलिजाबेथ से, जिसको बचपन में इसके विक्टर के पेरेंट्स ने अडॉप्ट करा था। तो मॉन्स्टर ने कसम खा के बोला कि तुम जो मर्जी करना है करो, पर तुम्हारे शादी वाली रात मैं जरूर आऊंगा और मैं अपना इस चीज का मैं बदला लूंगा तुमसे। अब क्या होता है, विक्टर रात को क्या करता है कि अपने साथ उस सेकंड क्रिएचर का जितना भी मतलब जितने भी पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको लेके वो समुद्र में जाके पानी में बहा देता है। और फिर वो अपने बोट में बैठ के वापस आइलैंड पे आने की कोशिश करता है, पर हवा तेज चलने की वजह से वो आ नहीं पाता। और अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुलती है, वो खुद को एक अननोन टाउन के पास वो खुद को पाता है। और जैसे ही वो मतलब वहां से बाहर निकलता है, तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं एक मर्डर के इल्जाम में। तो विक्टर बताता है कि मेरे को नहीं पता आप कौन से मर्डर की बात कर रहे हो, मैं तो पूरी रात शायद से मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ पे था। तो विक्टर को जैसे ही पुलिस वाले मतलब बता जब डेड बॉडी दिखाते हैं, तो विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है। वो देखते हैं वो बॉडी डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड हेनरी का है। और उसके जो गर्दन पे उस मॉन्स्टर के उंगलियों के निशान भी थे। और विक्टर पूरी तरह से समझ जाता है कि विलियम के बाद इस मॉन्स्टर ने मेरे बेस्ट फ्रेंड हेनरी को भी मार डाला। और उसको इतना मतलब बुरा लगता है कि फिर उसको जेल में ले जाते हैं, जहाँ पे उसको बुखार वगैरह आ जाता है जेल के अंदर। वो बहुत बीमार पड़ जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। फिर वो जैसे ही ठीक होता है, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको जेल से निकलवा लेते हैं। जो अल्फोंजो है वो उसको विक्टर को जेल से निकाल लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, विक्टर अपने फादर के साथ अपने घर जेनेवा वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद विक्टर ने एलिजाबेथ से शादी कर ली, बट उसको कहीं ना कहीं ये डर था उस मॉन्स्टर की धमकी का कि वो शादी वाले रात आएगा अपना बदला लेने। तो विक्टर को ऐसा लग रहा था कि उसके शादी वाली रात मतलब ये मॉन्स्टर विक्टर को मार डालेगा। तो विक्टर क्या करता है, थोड़ा पहले से ही कॉशियस रहने के लिए वो एलिजाबेथ को एक दूसरे कमरे में भेज देता है। और वो खुद बाहर खड़े होकर उस मॉन्स्टर का वेट कर रहा होता है कि मारेगा मारेगा तो बाहर ही मारेगा। बट थोड़ी देर में क्या होता है कि एलिजाबेथ के चीखने की आवाज़ आती है, और विक्टर को एकदम से मतलब विक्टर के दिमाग में आता है कहीं उस मॉन्स्टर ने मेरी वाइफ को तो नहीं मार दिया। तो जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उस वो मॉन्स्टर विक्टर को मारने नहीं एलिजाबेथ को मारने आया था, और वो एलिजाबेथ का मर्डर करके वहां से चला गया। और एलिजाबेथ के मर्डर के बाद थोड़े टाइम बाद जो विक्टर के फादर थे अल्फोंजे, उनका भी मतलब डिप्रेशन में, और क्योंकि विलियम भी मारा गया, उनकी बहू भी मारी गई, उनके हाउस कीपर को मार दिया गया विलियम के मर्डर के उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। तो डिप्रेशन के चक्कर में, गम के चक्कर में विक्टर के फादर भी मर गए, वो भी गुजर गए। अब क्या हुआ कि जो विक्टर था वो पूरी तरह से अकेला हो गया। अब उसके साथ कोई नहीं था, उसका भाई मारा गया, उसकी माँ बचपन में ही मर गई, उसके फादर भी नहीं रहे, उसकी वाइफ भी नहीं रही, अब उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहा। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने कसम खाया कि अब मैं जो मेरी बची कुची लाइफ है, मैं उस मॉन्स्टर को ढूंढूंगा, और मैं जो अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा उस मॉन्स्टर से मैं बदला लूंगा। और ये बोलते ही वो अपने घर से निकल गया उस मॉन्स्टर को ढूंढने। तो विक्टर मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते आर्कटिक की तरफ आ गया, और वो नॉर्थवर्ड की तरफ मतलब जाने लग गया। और उसने मॉन्स्टर को देख भी लिया था, बट उनके नीचे जो बर्फ था वो बर्फ का टुकड़ा टूट गया, जिस वजह से बहुत ज्यादा स्पेस बन गया, और जो विक्टर था वो बर्फ के नीचे दब गया। उसके बाद तो पता ही हमको कि जो जो रॉबर्ट वॉल्टन था शिप का कैप्टन, वो विक्टर को रेस्क्यू करता है। और विक्टर इसको अपनी कहानी मतलब बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या गलती करी। और यही पूरी कहानी रॉबर्ट अपनी बहन को लेटर में लिख के बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा हुआ। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि विक्टर की तबीयत सही नहीं होती, और वो अपना सारा कहानी रॉबर्ट को बता के वो मर जाता है। 2 दिन बाद जब रॉबर्ट अपने कमरे में वापस जाता है शिप के कमरे में, तो वहां पे वो देखता है कि जो विक्टर की बॉडी थी उसके पास वो मॉन्स्टर बैठ के रो रहा होता है। वो मॉन्स्टर जो होता है उसको पता चल जाता है विक्टर कहाँ पे है। और मतलब रॉबर्ट देखता है, जो शिप का कैप्टन था, वो देखता है कि मॉन्स्टर विक्टर की बॉडी के पास बैठ के रो रहा होता है। और वो मॉन्स्टर जो है वॉल्टन को बता रहा होता है कि जो उसका क्रिएटर था, जो उसको बनाने वाला था, वही जब मर गया तो अब इसके अंदर जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची, फिर ये अब किसके लिए जिएगा।
तो ये क्या होता है कि ये मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर की एक काम करता हूँ, मैं भी खुद को मार ही लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए जीने का कोई है नहीं, जब मेरा क्रिएटर ही नहीं रहा तो मैं रह के क्या करूँगा। तो फिर मॉन्स्टर क्या होता है, वो नॉर्दर्न मोस्ट जो बर्फ बर्फे होती है वो उस तरफ चला जाता है मरने के लिए, और एंड में ये मॉन्स्टर भी मर जाता है। और यहाँ पे हमारी ये जो नॉवल है ये खत्म फिनिश होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि मतलब ये जो मॉन्स्टर था उसको सबने उसके अपियरेंस के बेस पे जज किया, किसी ने ये नहीं देखा कि उसको भी बस सोसाइटी में एक्सेप्ट होना था, उसको प्यार चाहिए था, उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग वो चाहता था कि लोग उसको समझे, पर उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है सीक्रेसी, सीक्रेसी की मतलब विक्टर ने बनाया तो बनाया उस मॉन्स्टर को, पर उसने सबसे ये सीक्रेट रखा, और कहीं ना कहीं ये सीक्रेट रखने की वजह से भी बहुत दिक्कतें हुई, उसका भाई मारा गया, सब मरे गए। डेंजरस नॉलेज, विक्टर के अंदर बचपन से ही नॉलेज था, नॉलेज होना अच्छी बात है पर जब वो नॉलेज डेंजरस बन जाए वो अच्छी बात नहीं है। विक्टर का नॉलेज एक अलग ही लेवल पे चला गया था, जहाँ पे उसने ये सोचा कि अब वो अपना ही एक अलग ह्यूमन रेस बनाना चाहता है, और वो उनमें जान भी डालने लग गया, बट यही चीज़ बाद में भारी पड़ गई, कितने लोगों का मर्डर हो गया। फैमिली, विक्टर की फैमिली बहुत अच्छी थी, एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होती है, विक्टर जब भी परेशान हो जाता था तो वो अपने फैमिली के पास वापस आ जाता था। एंड फोर्थ इज रिवेंज, रिवेंज दोनों तरफ ही था अगर हम बोले तो, क्योंकि मॉन्स्टर को रिवेंज चाहिए था क्योंकि उसने विक्टर ने क्या किया, उसकी फीमेल मॉन्स्टर नहीं बनाई, बदले में उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को उसकी वाइफ को मार दिया, एंड एज अ मतलब रिजल्ट एक मॉन्स्टर की वजह से दो इनोसेंट लोग मारे गए। पहली तो वो मेट जिसको मतलब विक्टर के भाई के खून के इल्ज़ाम में मार दिया गया, सेकंड उसके फादर जो डिप्रेशन में मर गए, और फिर विक्टर भी रिवेंज के लिए निकल गया, पर फ़ायदा क्या हुआ, विक्टर खुद भी मर गया और बाद में एट द एंड वो मॉन्स्टर भी मर गया, तो किसी को कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उल्टा फालतू में और लोगों की जान भी चली गई। होपफुली आपको ये समझ आ गई। सो थैंक यू।